मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू ईवीएस। तो ईवीएस में बेटा मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा चल रहा है, तो मैंने आपको बुक से समझाया, उसके बाद बुक से एक्सप्लेन किया, मैंने बहुत कुछ आपको बोर्ड से भी एक्सप्लेन किया। तो अब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बोर्ड से एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्लांट का जो चैप्टर है वो हमने समझा है, वो आपका थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्लासेस में बेटा है। तो उसमें हमने सबसे पहले पार्ट्स एंड प्लांट समझे थे, बीज जो आपको प्लांट है उसके मॉलिक्यूल में पार्ट्स होते हैं। तो हमने पार्ट्स एंड प्लांट में क्या क्या समझा था कि जो प्लांट होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आपके रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, बर्ड, फ्रूट एंड फ्लावर, ये सारे तो प्लांट्स के पार्ट होते हैं। इसके बाद हमने क्या समझा कि जो प्लांट का हर एक पार्ट है वो कुछ ना कुछ काम करता है ना। जैसे आपकी रूट है वो क्या काम करेगी, तो वो आपकी क्या करती है, सॉइल से, मिट्टी के अंदर से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना। अब स्टेम क्या करता है, स्टेम आपके प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रखता है, और जिस पानी और जिस मिनरल को मिट्टी से आपकी जो रूट है वो एब्जॉर्ब करती है, उसको आपका स्टेम जो है वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है। इसके बाद आपकी लीफ क्या करती है, वो करती है फूड बनाने का काम। आपका जो प्लांट है उसके अंदर भोजन बनाने का जो काम है वो आपकी लीफ करती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता जो है वो होती है। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स भी हमारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे प्लांट मतलब जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना सारे, वो ही अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो अदरवाइज बाकी नहीं बना पाएंगे। तो क्या होता है कि इसीलिए जो जैसे प्लांट आपके अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो जीव अपना खाना स्वयं बनाएंगे वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। ऑटोट्रॉप्स होता है आपका स्वपोषी। और जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, तो हम दूसरों पर डिपेंड हैं, तो हम आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, मीन्स परजीवी पोषण में आते हैं, विषमपोषी पोषण में आएंगे, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो फंक्शन हम पार्ट हमने समझे हैं प्लांट के क्या क्या होते हैं, उसके बाद उनके काम भी हमने समझे कि उनके फंक्शन क्या हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वो भी मैंने आपको बोर्ड से एक्सप्लेन किया है। अब एक और मेन चीज़ है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, मींस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही आपके जो प्लांट हैं वो अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। और ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 10th क्लास तक भी चलेगा, उसके आगे भी साइंस में ये टॉपिक रहता है। तो आज हम डायग्राम के थ्रू थर्ड एंड फोर्थ क्लास में दोनों में ही प्लांट का जो अपना चैप्टर है उससे रिलेटेड अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सारा विद डायग्राम बोर्ड से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के हमारे वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगी, और आपको ये जो डायग्राम है मुझे बना करके अपनी नोटबुक में दिखाना भी है, आपको पूरा उसको लेबल्ड करना है और अच्छे से समझना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो आपके प्लांट हैं वो अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, ताकि ये हमेशा आपको याद रहे। और एक बार आप छोटी क्लास में समझ लेंगे तो ये आगे तक आपको काम देगा। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो हमारा टॉपिक रहेगा आपका फोटोसिंथेसिस। मीन्स आप अगर हिंदी में कहेंगे तो इसे हम इस क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है, ये एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जो हमारे प्लांट होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम को तैयार करेंगे। जो सबसे पहले तो आप एक प्लांट लेते हैं हम छोटा सा, ठीक है, प्लांट लेंगे हम एक, सेम बनाना कोई जरूरी नहीं है बेटा, आपको जैसा समझ में आए आप वैसा बनाएं, नीट एंड क्लीन बनाएं बस, और कुछ नहीं है। बाकी आपको जैसा बनाना आता हो समझ में वैसा बनाएं। हमको तो सिर्फ शो करना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो किस तरीके से, तो हमको प्लांट भी चाहिए, हमको फ्लावर भी चाहिए, उसकी लीव्स भी चाहिए, सारी चीज़ें हमको होनी चाहिए उसमें। आपका जो प्लांट है वो लगा हुआ है, ये हमारी सॉइल। अभी मैं आपको ले
होता है, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि सनलाइट भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, तो ये भी आपके लिए जरूरी है। अब सबसे पहले हम क्या समझते हैं, इसको लेबर कर लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले ये आपकी क्या हुई लीफ, ये है आपका फ्लावर, ये आपकी हुई रूट, ये है आपकी सॉइल मींस मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका स्टेम, यहाँ इसमें से क्या निकलेगा, इसमें आपका बॉर्डर भी रहता है, बॉर्डर रहता है सॉइल के अंदर, यहाँ हम ये वाटर को शो कर देते हैं, यहाँ से जो रूट है वो क्या लेती है आपका, यहाँ से इसके अंदर से आएगा आपका वाटर प्लस मिनरल्स, जो पोषक तत्व होते हैं ना उनको बोलते हैं मिनरल्स, ये आपका वो अस्थान, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किन किन चीजों की नीड होती है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, पहले हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए वाटर, बस आपको वाटर चाहिए। सेकंड आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी है क्या है कि आपकी जो लीफ है, ये आपका जो एटमॉस्फेयर होता है ना उससे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी लीफ को मिलती है। जो हमारा वायुमंडल है ना, हम सभी सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम किस गैस को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और किसको एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को। तो ये यहाँ एटमॉस्फेयर से क्या मिलती है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ बनाएगी ना क्योंकि आपका फूड, ये हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। थर्ड आपको क्या चाहिए, सनलाइट, सूरज की रोशनी, क्यों अगर सनलाइट नहीं होगी तो भी नहीं होगा हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट आपको चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से आपकी जो लीफ है उनका कलर जो होता है वो कैसा रहता है, ग्रीन। अब आपकी जो पत्तियां होती हैं बट छोटे छोटे छेद होते हैं, मैंने आपको बताया है पहले ही समझाया था, तो इनको क्या करेंगे आप, इन छेदों को रंध्रों क्या करेंगे, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा आपका क्या काम करते हैं, जैसे हमारी सांस लेने के लिए नोज भगवान ने बनाई है, हमको नाक दिए सांस लेने के लिए, इसी तरीके से कान जो होता है उसको सांस लेने के लिए स्टोमेटा दिए गए हैं, वो स्टोमेटा से ही सांस लेते हैं। तो क्या करते हैं वो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनको सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसको उनको भोजन बनाते टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, और बदले में हमको क्या दे देंगे, बदले में आपको दे देंगे ऑक्सीजन। चलिए इस लीफ से निकाल देती हूँ, बदले में आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से, ऑक्सीजन कौन देगा, प्लांट। लेकिन तब मिलेगी जब वो खाना बनाने का प्रोसेस होगा आपका, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा ना उसके बाद आपको मिलेगी ऑक्सीजन, ठीक है। रिलीज होगी ऑक्सीजन, मतलब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज करेगा आपका ऑक्सीजन, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, हमने प्लांट बनाया, उसके सारे पार्ट आपने शो कर दिए कि क्या क्या पार्ट है उसके। तो मैंने आपको देखिए बताया यहाँ पर, सबसे पहले ये रूट हुई, आपका स्टेम हो गया यहाँ से, ये आपकी लीव्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो आपका फ्लावर है, इसके बाद में लीफ क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी आपकी, लीफ पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा, जिससे आपकी जो लीफ है वो क्या करती है, सांस लेती है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी। इसके साथ साथ ये स्टोमेटा क्या काम करते हैं कि जो आपके प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, वास्कोसर्जन का जो प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर जो है होता है, मतलब जो प्लांट होते हैं ना उनसे भाप के रूप में जो आपका पानी है ना वो बाहर निकलता रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। पर ये टॉपिक अलग हो जाएगा और अभी है नहीं है आपके सिलेबस में, देखूंगी तो मैं इसको भी समझा दूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल तो हम फोटोसिंथेसिस समझ रहे हैं, तो इस स्टोमेटा के काम क्या क्या होते हैं आपके, हमको पता होना सबसे पहले, तो आप यहाँ से देखें, ये मैंने आपको लेबल कर दिया पूरा कि किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो आपको वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये तो आपकी मेन चीज है आपको किस लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब जब आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो आपने देखा कि जो पानी आपको कहाँ से मिला है, आपको रूट, रूट आपको सॉइल के अंदर से पानी और मिनरल्स प्रोवाइड कराएगी, इस पानी और मिनरल्स को आपका स्टेम जो
देखते हैं खाना बनना होता है तो सारा सामान मार्केट से कौन आपके आगे पापा लेकर आते हैं कि नहीं आते हैं सारा सामान। उसके बाद आपकी मम्मी किचन में जाकर के आपके लिए जो खाना है वो प्रिपेयर कर देती हैं, तैयार कर देती हैं। उसी तरीके से एक प्लांट में क्या होता है कि उसकी रूट क्या करेगी, जड़ जमीन के अंदर से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, उसको अवशोषित करेगी। उसका काम खत्म हो गया, उसने इतना काम कर दिया। अब स्टेम का काम स्टार्ट हुआ, स्टेम ने उस जड़ से उस पानी को और ऊपर चढ़ाया और प्लांट के सारे पार्ट तक पहुंचा दिया। जब पानी सारे पार्ट तक पहुंच गया तो अब काम कौन करेगा, अब करेगी आपकी लीफ काम, मत्ती क्या काम करेगी, खाना बनाने का काम। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, मैंने बताया पानी चाहिए जो उसे रूट से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो उसको एटमॉस्फेयर से मिलती है, वातावरण से मिलती है, सनलाइट चाहिए जो उसको सूरज से मिलती है, क्लोरोफिल चाहिए जो पत्तियों में प्रेजेंट रहता है। तो इन सारी चीज़ों से मिक्स होकर के ये सारा जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो अब देखिए क्या होगा हमारे इस प्रोसेस में कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस जो वो एक्सप्लेन किया। थैंक यू।